हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फीस्ट बाय सफ़ा। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक यमी सी रेसिपी, और इस रेसिपी का नाम है मज़ेदार सोया। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाना, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। तो चलिए रेसिपी के साथ बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले हमारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें लगेगा 2 बारीक कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई लहसुन, और इसके साथ हमें लगेंगे हरे मटर 1 बोल, और 2 मीडियम साइज्ड आलू जिसको हमने कुछ इस तरीके से काट लिया है क्यूब्स में, और हमें लगेगा सोयाबीन चंक्स जिसको हमने 15 से 20 मिनट तक भिगो लिया है। उसके बाद इसका सारा पानी स्ट्रेन करके हमने इसे हाफ में काट लिया है, और हमें लगेगा धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे सोयाबीन को मैरिनेट करके। तो मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर एंड 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सब पाउडर्स को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और अब हम इसे आधे घंटे से 1 घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए वैसे ही हम इसमें डाल लेंगे हमारे 8 to 9 ब्लैक पेपर पॉड्स, और हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और इसे थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद हम डालेंगे हमारी प्याज, और हम हमारे प्याज को गोल्डनिश ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो जैसे ही हमारे प्याज में थोड़ा सा कलर आ जाएगा हम वैसे ही इसमें डाल लेंगे हमारा अदरक और लहसुन, और इसे भी थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे आलू। हम आलू पहले डाल रहे हैं बिकॉज आलू को गलने में टाइम, तो हमारे मसाले को और भी लजीज बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें सोया ग्रैन्यूल्स, और ये ग्रैन्यूल्स जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे हर बाइट में सोया का फ्लेवर आएगा, सोया का टेस्ट बहुत ही अच्छा एनहांस होगा। तो ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप सोया ग्रैन्यूल्स पूछ के ले सकते हैं, अगर नहीं है तो इट्स ओके। और अब हम हमारे आलू में डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे हमारे मसालों को। अब हमने हमारे मसाले को भून लिया, तो उसके बाद जब वो तेल छोड़ने लगेगा तो उस टाइम पे हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट जिसको हमने बनाया है घर पे ही। इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल लिया है पानी, और अब हम हमारे आलू को अच्छे से इसमें पकने देंगे। हमने यूज़ किया है 1/2 ग्लास पानी, तो अब हम आलू को अच्छे से 2 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में ढककर पका लेंगे। मिनट हो चुके, अब 2 से 4 मिनट हो चुके हैं हमने इसे पकने दिया, तो अब हम देखेंगे ये रेडी हो गया है एज यू कैन सी। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मटर। अब हम हमारे मटर को भी अच्छे से मसाले में सौते कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे, आई थिंक टू बी नोटेड कि अभी तक हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है। हम सॉल्ट सबसे एंड में डालेंगे, बिकॉज अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो आलू पानी छोड़ना स्टार्ट कर लेगा। हम इसकी लिड उठा के इसे चेक करेंगे। एज यू कैन सी इसमें बहुत अच्छी सी स्टीम आ गई है, और आलू इसमें अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे सोया ग्रैन्यूल्स और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो एज यू कैन सी जैसे ही हमने हमारे सोया के ग्रैन्यूल्स डाले हमारी ग्रेवी थिक हो गई, क्योंकि सोया जैसे ही हमने डाला हमारे सोया ग्रैन्यूल्स ने पानी सोख लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में ढक के पकने देंगे। अब हमने इसे 1/2 घंटे तक मैरिनेट होने दिया था। एज यू कैन सी हमारा सोया चंक्स अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। अब एज यू कैन सी हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सोयाबीन,
अब हम इसे भी अच्छे से, अब हम डालेंगे आधा ग्लास पानी। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया से। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद हमारी सब्जी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। और इसे मैंने सर्व किया है गरम गरम फुलकों के साथ, मसालेदार पापड़ और आम के अचार के साथ। और हम इसे एकदम गरम गरम इन्जॉय करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। आई गारंटी यू कि अगर आप इसे बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये बिल्कुल टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड इफ़ यू डू ट्राई, प्लीज़ टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आई होप यू इन्जॉयड दिस रेसिपी। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड फीस बाय सफ़ा, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।